दो दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर पहुंचे। आपको बता दें कि गोरखपुर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर में स्थित राष्ट्रपति के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए संत कबीर की जन्मस्थली का निरीक्षण किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने गुरु गोरखनाथ का विधि विधान से पूजा अर्चना किया तथा गोरखनाथ मंदिर में स्थित ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनेक्सी भवन के बगल में स्थित उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के क्षेत्र केंद्र का विधि विधान से पूजन व शिलान्यास किया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी 4 जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए गीता प्रेस का औचक निरीक्षण किया तथा उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां रविवार की देर शाम राष्ट्रपति के आगमन पर इन कार्यक्रमों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हर व्यवस्था चाक चौबंद करने की हिदायत दी। गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ताल क्षेत्र में राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर साफ सफाई व सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। रामगढ़ताल की जेटी पर राष्ट्रपति साउंड एंड लाइट शो का अवलोकन करेंगे। इस अवसर पर वहां बच्चे भी उपस्थित रहेंगे। इन बच्चों द्वारा महामहिम का स्वागत भी किया जाएगा। गोरखनाथ मंदिर में बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर का भ्रमण कर यहां राष्ट्रपति की अगवानी को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा भी लिया। राष्ट्रपति यहां 4 जून को बाबा गोरखनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। उनके आगमन पर संस्कृत वेद पाठी बच्चों द्वारा वैदिक रीति से उनका स्वागत किया जाएगा। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। इस अवसर पर उन्होंने अवैध टैक्सी स्टैंड हटाने तथा स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि रोडवेज की बसें सड़क पर ना खड़ी रहें। उन्होंने कहा कि सड़क सुगम यातायात का माध्यम होना चाहिए, किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं दिखाई देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जोड़ने और सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत डायल 112 की गाड़ियों को हाईवे पर निरंतर पेट्रोलिंग की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि जब बदलाव दिखेगा तो लोग भी विकास के साथ जुड़ेंगे। सीएम ने देवरिया बाईपास को 4 लेन बनाने के काम में तेजी लाने तथा महानगर में जर्जर तारों को बदलने व भूमिगत केबल बिछाने का कार्य भी तीव्र गति से आगे बढ़ाने को कहा। बरसात के पूर्व जल निकासी के इंतजामों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्माणाधीन नालों को पूर्ण कराने तथा सभी नालों की सफाई का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मार्ग पर बन रहा नाला आगामी 15 दिन में पूर्ण हो जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी तैयारी की जाए ताकि महानगर के मोहल्लों में जल भराव न होने पाए। मुख्यमंत्री ने आयुष विश्वविद्यालय व सैनिक स्कूल के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन दोनों के निर्माण कार्य में और तेजी लाई जाए। सीएम ने सड़क किनारे सभी नालियों को ढकने के साथ ही जनपद व शहर के सभी प्रवेश द्वारों को कचरा मुक्त रखने की हिदायत दी। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने नगर निगम व नगर पंचायतों को सौंपी। बैठक में एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा आदि मौजूद रहे। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी रात्रि विश्राम करेंगे और सोमवार को जनता दर्शन के बाद लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे।